अब आ जाए पाइसिस पे जी। पाइसिस ये सब तो आपको आपके खुचौतनों में और ज्यादा इजाफा हो रहा है, घबराइए नहीं, बाद में अच्छी बातें भी हैं। और ना तो अपने साथ काम करने को साला आपका इत्तेफाक है, आपके नहायत करीबी रिश्तेदार आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और आपका शरीक हयात भी अपनी दिलचस्पी में गुम है, वो आपकी केयर ही नहीं कर रहा। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद जब ये प्लैनेट सीधे हो जाएंगे मुश्तरी और अतारत, तो आप महसूस करेंगे कि आप के तहत शुरू में ऐसी तब्दीली आ जाएगी कि आप दूसरों को रवि की परवाह ही नहीं करेंगे। हेल विद देम, माइंड योर ओन बिजनेस आप हवाले से कहेंगे, और उनका आप पर असर नहीं रहेगा। और ये जो दबाव आप महसूस करेंगे 18 अक्टूबर से, ये इसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी और आप अपना मूड आपका बहाल हो जाएगा। उसके बाद यूँ है 18 अक्टूबर जो है ये बहाल होने के बाद फिर आप किसी की परवाह नहीं करेंगे और ना इन चैलेंज की परवाह करेंगे, और आप पर इसके बाद आप हर एक से बेनियाज हो जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद पूरा चांद जैसे आएगा आपको मजीद सुकून मिलेगा। तो चांद ने कई बुरूज के लिए